बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल फॉर कैलकुलस फॉर बीएस मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया हुआ है, और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 9.9 जो है वो पढ़ रहे हैं। और 9.9 एक्सरसाइज में हमने पहले 4 लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 12 तक जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका कुछ बेटा जी इस तरह है, कहता है शो डैट द सरफेस एरिया फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग द एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप ऑफ द कर्व अबाउट एक्स एक्सिस इज पाई ए स्क्वायर ओवर 3। कहता है कि आपने ये जो कर्व है इसका जो लूप है, उस लूप का जो एरिया बनता है उसको जब आप एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं, तो घुमाने के बाद जाहिर सी बात है आपको एक सॉलिड मिलेगा। उस सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का जो सरफेस एरिया बनता है वो सरफेस एरिया पाई ए स्क्वायर ओवर 3 के बराबर है, ये आपने प्रूफ करना है। अच्छा जी, सब अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो कर्व आपके पास दी हुई है इसकी थोड़ी सी स्केचिंग के लिए हम यहाँ पर इसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लेंगे। उनका एक फ़ायदा तो खैर आप स्केचिंग में भी इस्तेमाल कर लेंगे, दूसरा फ़ायदा ये है कि हमें यहाँ पर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन की ज़रूरत होगी, तो वो हमें एक्स इंटरसेप्ट से लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन का आइडिया हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन मालूम करने के लिए और ग्राफ ड्रा करने के लिए एक्स इंटरसेप्ट मालूम किया। एक्स इंटरसेप्ट आप जानते हैं कैसे मालूम करते हैं, आप गिवन कर्व में वाई की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप वाई की वैल्यू 0 पुट कर दें, पुट वाई इज इक्वल टू 0, तो ये सारी चीज़ आपकी 0 हो जाएगी, इक्वल टू आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ से एक्स की एक वैल्यू 0 आ जाएगी, दूसरी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा, आपने यहाँ पर अब वाई इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए, आप जानते हैं वाई इंटरसेप्ट कैसे मालूम होगा, आप एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे, तो ये हमारी जो कर्व है इसमें अगर आप एक्स की जगह 0 पुट कर दें तो ये वाला सारी साइड आपकी राइट साइड जो है 0 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3 ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो आपका y इंटरसेप्ट आ गया पॉइंट x0 y0। दिस शोज कर्व पासिस थ्रू द ओरिजन, इसका मतलब आपकी जो कर्व है वो 0 0 यानी ओरिजन से पास करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर इसका ग्राफ देखते हैं किस तरह का है। ये आपका पास बेटा इसका ग्राफ बनता है, ये जो शेप है आपकी, ठीक है। तो ये आपका लूप है जो मैंने यहाँ पर रेड जिसको शेड किया है यहाँ पर। अब इस लूप को, इस शेडेड एरिए को जब आप एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, तो रिवॉल्व करने के बाद जौन सा भी सॉलिड बनता है उस सॉलिड की का सरफेस, उस सॉलिड की जो सरफेस है वो सरफेस एरिया आपने मालूम करना है, ठीक है। तो अब चूंकि हमने एक्स एक्सिस के अबाउट सरफेस एरिया मालूम करना है, तो आप जानते हैं कि सरफेस एरिया अबाउट एक्स एक्सिस का फार्मूला जो है वो यहाँ पर होगा ए इज इक्वल टू 2π लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आ गई आपके पास, एरिया देखें कहाँ से कहाँ तक शेड है, 0 से लेकर a तक शेड बनता है। x की दो वैल्यू निकली थी 0 और दूसरी वैल्यू a थी, तो 0 से a आ जाएगा। यहाँ पर ये फार्मूले का y आ गया इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx y1 का स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि सबसे पहले हम ये जो इंटीग्रल के अंदर ये जो सारी चीज़ें हैं इसकी वैल्यू यहाँ पर हम पहले मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें आपके पास ये गिवन कर्व आपको दी हुई है 3 ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो मैंने इसका यहाँ पर पहला डेरिवेटिव ले लिया, पहला डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ से आपने पहले डेरिवेटिव या नहीं वाई वन की वैल्यू निकाल ली, तो वाई वन की वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी एक्स माइनस ए इंटू 3x-a/6ay, ठीक है। अब यहाँ से वाई वन का इसका स्केयर किया, स्केयर करने के बाद हमने यहाँ पर 1 प्लस कर लिया, क्योंकि आप जानते हैं ये सारी चीज़ आपने निकालनी है 1 प्लस वाई वन का स्केयर। तो y1 का स्केयर कर लिया, स्केयर किया तो x माइनस ए का होल स्केयर आ गया, 3x-a का होल स्केयर आ गया, नीचे 6 का स्केयर 36 आ गया, ए स्केयर वाई स्केयर आ गया, और ये 1 प्लस किया मैंने यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर एलसीएम ले लूँगा मैं, एलसीएम लेने से पहले यहाँ पर देखें, चूँकि यहाँ पर इंटीग्रेशन हमने करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये सारी चीज़ आपकी बदल जानी चाहिए x में, यहाँ पर सारी चीज़ आपकी x में बदल जानी चाहिए ये वाली सारी। तो यहाँ पर ये y स्केयर है, तो y स्केयर को इन टर्म ऑफ x बदलना है, तो कैसे बदलेंगे देखें, ये आपकी गिवन कर्व ये है 3 ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालें, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 ए मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर ओवर 3 ए। ये ब्लू कलर की जो है ये वाई स्क्वायर की जगह मैंने ये ब्लू कलर की ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर ये ए
यहाँ पर देखें, ये आपके पास जो फैक्टर है 3 को इसे कैंसिल कर दें, 36 से ये 12 रह गया, ए को ए स्केयर से कैंसिल करें, ए रह गया, बाकी आ गया x इंटू एक्स माइनस ए का होल स्केयर, और ऊपर वाली सारी चीज़ें x माइनस ए का होल स्केयर और 3x माइनस ए का होल स्केयर एज इट इज़ वैसे ही आ गया, ये 1 प्लस ये भी सारी चीज़ एज इट इज़ आ गई, सिर्फ यहाँ पर कैंसिलेशन की है। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पर ये देखें x माइनस ए का होल स्केयर और ये भी x माइनस ए का होल स्केयर, ये दोनों फैक्टर भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा 3x माइनस ए का होल स्केयर ओवर 12 ए एक्स। तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस वाई वन का स्केयर इक्वल टू 1 प्लस 3x माइनस ए का होल स्केयर ओवर 12 ए एक्स। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे और ये मैंने स्केयर ओपन कर दिया, तो ये आ गया 12 ए एक्स, इसका स्केयर ओपन किया ये आ गया 9x स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2 ए बी, है ना, ए माइनस बी का होल स्केयर ओपन किया है, तो ये आ गया माइनस 6 ए बी 6 ए एक्स ओवर 12 ए एक्स। अब यहाँ पर ये 12 ए एक्स में से माइनस 6 ए एक्स माइनस कर दिए, 6 ए एक्स माइनस कर दिए, तो बाकी क्या रह जाएगा प्लस 6 ए एक्स, तो ये आ गया 9x स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस 6 ए एक्स। अब इसको दोबारा आप यहाँ स्केयर के फॉर्म में लिख लें तो ये बन जाएगा 3x प्लस ए का होल स्केयर ओवर 12 ए एक्स। ले जी, अब यहाँ पर ये आ गई सारी वैल्यू किसकी, 1 प्लस वाई वन के होल स्केयर की, इसका अंडर रूट ले लें दोनों तरफ, तो यहाँ पर जनाब इसका अंडर रूट अप्लाई कर दें इस पर, तो ये आ जाएगा 3x प्लस ए ओवर अंडर रूट 12 ए अंडर रूट एक्स। सो ले जी, ये सारी वैल्यू अब यहाँ पर आप इस फार्मूला में पुट कर दें, जो हमारे पास एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है यानी ये वाला, ठीक है, इस सारे फार्मूले की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, और फर्दर ये कि यहाँ पर आपने जो ये y की वैल्यू निकाली है, यहाँ पर y आपको चाहिए ना, ये सारी वैल्यू पुट कर दी और इधर y की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, y कहाँ से वैल्यू पुट की है, ये जो आपके पास कर्व है ये वाली 3ay² = x * x - 1, यहाँ से y की वैल्यू निकाली है, 3a को इधर ले गया और अंडर रूट ले लिया सारा मैंने, ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे, ये सारी चीज़ आ जाएगी 3x प्लस a ओवर अंडर रूट 12 a इंटू अंडर रूट x। अब यहाँ पर जो चीज़ कुछ कैंसिल होती है उसे कैंसिल कर लें, जो मल्टीपल आता है मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास स्केयर रूट एक्स, इस स्केयर रूट एक्स से कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये अंडर रूट 12 और अंडर रूट 3 दोनों को एक अंडर रूट में अप्लाई मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया अंडर रूट 36 ए इंटू ए का स्केयर, तो 2 पाई ओवर दिस आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एक्स माइनस ए और 3x प्लस ए, और ये अंडर रूट एक्स ये अंडर रूट एक्स से कैंसिल हो गया यहाँ पर। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें 36 का अंडर रूट हो गया 6 ए स्केयर का, ये स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, बाकी रह गया ए, तो 2 पाई ओवर 6 ए आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ये बन जाएगा 3x स्केयर प्लस ए एक्स माइनस 3x माइनस ए का स्केयर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये देखें, ये प्लस ए एक्स और माइनस 3x कितना बन जाएगा माइनस 2 ए एक्स, और 2 को और 6 को कैंसिल कर दें तो पाई ओवर 3 है यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट यहाँ पर अब इंटीग्रल आप अलग-अलग कर दें, एक्स के 3x के इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब ओवर 3 आएगा, वो 3 और ये 3 कट जाएगा, यहाँ पर एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्केयर ओवर 2 आएगा, वो 2 एक्स स्केयर कट जाएगा, ए स्केयर कॉन्स्टेंट, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ए स्केयर एक्स, लिमिट आ गई 0 से ए, अपर लिमिट पुट करें 0, लोअर लिमिट पर ये सारा आंसर 0 हो जाएगा, अपर एक्स की जगह ए पुट किया ए क्यूब, यहाँ पर एक्स की जगह ए पुट किया तो ए स्केयर इंटू ए क्यूब, यहाँ पर एक्स की जगह ए पुट किया तो ए स्केयर इंटू ए क्यूब। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पर ये देखें, ये ए क्यूब और ये ए क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा माइनस ए क्यूब, तो पाई ओवर 3a इंटू माइनस ए क्यूब, ये a और ये ए क्यूब कैंसिल, तो माइनस पाई ए स्क्वायर ओवर 3 आ जाएगा। तो अब चूँकि सरफेस एरिया आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन को आप नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड आपके पास यहाँ पर सरफेस एरिया आ जाएगा पाई ओवर 3 इंटू ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट किया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखें। नेक्स्ट बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 14 आपका कुछ इस तरह आया था, फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ द टोरस, टोरस का आपने सरफेस एरिया मालूम करना है और वो टोरस कैसे बनती है, ये 9.8 में भी हमने किस तरह का क्वेश्चन किया था वहाँ पर, लेकिन हमने इसका वॉल्यूम मालूम किया था, यहाँ पर हमने इसका सरफेस एरिया मालूम करना है। अच्छा, वो टोरस बनती कैसे है, कहता है फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग अ डिस्क ऑफ रेडियस ए, एक सर्कल जिसका रेडियस ए के बराबर है, जब उसको आप रिवॉल्व करते हैं अबाउट अ स्ट्रेट लाइन इन इट्स प्लेन, एक स्ट्रेट लाइन के अबाउट और कितने डिस्टेंस पर, एट अ डिस्टेंस बी फ्रॉम द सेंटर, उसके सेंटर से बी यूनिट के फासले के ऊपर, जब आप एक सर्कुलर डिस्क, ये मैंने बना लिया, ये एक सर्कुलर डिस्क, इसका रेडियस मैंने मान लिया ए, अब इसका ये सेंटर है यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर, इसका सेंटर मान लिया बी कोमा जीरो, इसका डिस्टेंस, अब मैं इसको रिवॉल्व किसके अबाउट करूँगा, वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करूँगा यहाँ पर, ठीक है। उसने कहा है कि रिवॉल्विंग अ डिस्क ऑफ रेडियस ए अबाउट अ स्ट्रेट लाइन, तो एक स्ट्रेट लाइन लेनी है आपने, तो मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ पर लेट कर ली, वो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के अबाउट इस सर्कल को जब मैं रोटेट करूँगा इस तरह, तो ये टोरस बनेगी आपके पास, ठीक है। अच्छा, और
इस और अगली बात ये है कि जिस स्ट्रेट लाइन के अबाउट आप रिवॉल्व कर रहे हैं एट अ डिस्टेंस बी फ्राम इट्स सेंटर, उसका फासला उसके सेंटर से बी यूनिट है। तो आप देखें ओरिजिन से लेकर इसके सेंटर तक का फासला बी यूनिट मान लिया है, ठीक है, या इसके सेंटर से लेकर वाई एक्सिस तक चले जाएँ यानी ओरिजिन तक, तभी वो बी यूनिट बनता है। दोनों तरह से एक ही बात बनती है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपने एक सर्कल बना लिया जिसका सेंटर आपने एक्स एक्सिस के ऊपर लेट कर लिया, उसका आपके पास सेंटर जो है वो आपके पास बी यूनिट के फासले पर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर बी यूनिट आगे गया तो ये सेंटर मिलेगा बी कोमा ज़ीरो, रेडियस सर्कल का ए है। तो अब आप जानते हैं सर्कल में उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो उसका सेंटर होता है। तो हेयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी जी ऑफ सर्कल रिप्रेजेंटेड इन फिगर वन, रिप्रेजेंटेड इन फिगर वन इज़ बी कोमा ज़ीरो, यानी उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उस सर्कल का सेंटर है। हैविंग इक्वेशन, उसकी इक्वेशन देखें यहाँ पर, सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स माइनस बी, बी मतलब एक्स कोऑर्डिनेट सर्कल का, सर्कल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर बी है। तो एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट जो सेंटर का वो क्या है, जीरो, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। आप जानते हैं कि सर्कल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सर्कल की। यहाँ पर h और k क्या है, इस सर्कल के सेंटर हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर सर्कल का सेंटर b कोमा जीरो है, तो h की जगह b लिख दिया और k की जगह क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया, और r की जगह क्या लिख दिया, रेडियस। तो इसका रेडियस कितना है, यहाँ पर एक इक्वल है। अच्छा, अब इस सर्कल वन का जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2πr, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सर्कमफेरेंस निकलेगा वो 2πa आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेडियस कितना है, एक इक्वल है। अच्छा, अगली बात, आल्सो लेंथ ऑफ द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू 2πb। यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी इसके सेंट्रॉइड से जो पाथ बनता है उसकी लेंथ कितनी बनती है, ये आपने देखनी है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने जो बात की है कि इस सर्कल के सेंटर से, अब इस बात को देखें, ये हमारे पास सर्कल है, इसका सेंटर कहाँ है, बी कोमा ज़ीरो, यही इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इस सर्कल को आपने जब रोटेट किया वाई एक्सिस के अबाउट, तो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट होकर ये यहाँ पर दोबारा इधर आ जाएगा, ऐसे ही ठीक हो गया ना, यही चीज़ घूम के जब दोबारा इधर आएगी ना आपके पास। सर्कल को देखें आप, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो ये सर्कल ही सर्कल बनते जाएंगे अंदर। यहाँ पर फिर एक सर्कल इस तरह का आएगा आगे आपको नज़र, फिर ये यहाँ पर एक अंदर सर्कल बनता नज़र आएगा, ठीक है। ये सर्कल ही सर्कल सारे रोटेट 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 होकर सर्कल सर्कल बनते जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बी कोमा ज़ीरो है, तो ये वाला जो सर्कल है इसका डिस्टेंस भी आपके पास बी कोमा ज़ीरो ही होगा, लेकिन नेगेटिव साइड पर होगा, सही है। तो अब अगली बात ये देखनी है, तो आपने ये देखना है कि ये जब तमाम सर्कल, ये जो रिंग ऑफ सर्कल्स, रिंग ऑफ सर्कल का मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्कल्स आपके पास बन जाएंगे, तो उन तमाम सर्कल को जब आप ज्वाइन करेंगे ना इस तरह, तो ये आपके पास टोरस बनेगी आपके पास, ठीक है, टोरस शेप बनेगी। तो ये जो टोरस शेप बनी है ये कैसे बनी है, ये टोरस शेप बनी है बाय दी पाथ ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ सर्कल जिसका सेंटर क्या है, बी कोमा ज़ीरो है। ये टोरस कैसे बनी है, बाय दी पाथ ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ सर्कल whose center is b कोमा ज़ीरो, सही है। तो मतलब इसके सेंट्रॉइड के पाथ से बनी है, सही है। अब अगली बात, अब ये बनेगा आपके पास जो टोरस है, ये टोरस भी लाइक एज इसकी आउटर जो शेप बनती है वो सर्कल की तरह बनती है। अब उस सर्कल का आपके पास सर्कमफेरेंस कितना है, मैं मुख्तसर सी बात आपको आसान वे से समझाता हूँ। आपने जब इसको रोटेट करना है ना जी, इस सर्कल को अबाउट वाई एक्सिस, तो हर जब जब ये घूमता रहेगा, तो आप मुझे बताएं, जब सर्कल को आप घुमाते जाएंगे वाई एक्सिस के अबाउट, तो उसका ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस तो नहीं चेंज होने लगा ना, ये डिस्टेंस नहीं चेंज होगा, ये डिस्टेंस आपका, ये आपका सर्कल है, इसको आपने घुमाया, ये यहाँ पर आ गया, फिर आप घुमाते जाएँ, घुमाने के बाद फर्ज करें आपके पास बड़ा सर्कल इस तरह बन जाता है, ये चीज़ बन जाती है। तो इस सर्कल का यहाँ से यहाँ तक जो आपके पास घूमेगा ये, ठीक है, उसका आपने मतलब ये आपके पास सर्कल बन गया ना, उसका यहाँ से यहाँ तक ये जो रेडियस बनेगा वो बी है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़े सर्कल का आपके पास जो सर्कमफेरेंस निकलेगा वो होगा 2πb, इस
इस सर्कल को जब आप घुमाएंगे वाई एक्सिस के अबाउट घुमाने पर इधर भी आपके पास एक सर्कल बनेगा, तो ये पाथ ऑफ सर्कल्स, ये सर्कल्स बनते जाएंगे, ठीक है। और उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो बी के बराबर होगा, तो वो आपके पास उसकी जो आ जाएगी ना आर्क लेंथ, सॉरी सर्कमफेरेंस, वो 2π b के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा आल्सो लेंथ ऑफ द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है यानी इसका सेंटर जो है उसके पाथ ने जो लेंथ निकलती है उसकी वो 2π b के इक्वल होगी, ठीक है। बाय यूजिंग सेकंड थ्योरम ऑफ पेपस, बाय यूजिंग फर्स्ट, ये सेकंड थ्योरम ऑफ पेपस आपके पास जो है वो ये है, इसके मुताबिक एरिया जो होता है वो होता है लेंथ ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो लेंथ ऑफ सर्कल कितनी निकली है आपके पास, ओरिजिनल सर्कल जो है उसकी जो लेंथ है 2π a के बराबर है, और इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ने जो पाथ बनाया है उसकी लेंथ कितनी निकली है, 2π b के बराबर है। तो ये बन जाएगा 4π² a b। तो ये आपके पास जो रिक्वायर्ड सर्कमफेरेंस है टॉरस का वो आपके पास इसके बराबर आ जाएगा 4π² a b के। जी लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दी कर्व y इज इक्वल टू 1/x, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये आपका है, इसे आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, और शेड बनाना सिर्फ आपने कहाँ से कहाँ तक है, x जो है वो आपका 1 से लेकर 2 क्लोज इंटरवल के दरमियान है, यानी 1 <= x, <= 2 के ऊपर आपने ये कर्व को बनाना है। इज रोटेटेड अबाउट x एक्सिस, इसके ग्राफ को x एक्सिस के अबाउट आपने रोटेट किया, फाइंड द एरिया ऑफ रिजल्टिंग सरफेस, तो जो नई सरफेस बनेगी यानी जो सॉलिड बनेगा उस सॉलिड की जो सरफेस है, ठीक है, उसका आपने एरिया मालूम करना है, एरिया ऑफ सरफेस। अगली बात ये भी कहता है कि अगर आपका x 1 से इन्फिनिटी के दरमियान है तो आपने प्रूव करना है शो डैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड इज फाइनाइट। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, कहता है कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो सॉलिड बनता है उसका वॉल्यूम तो फाइनाइट है बट इट्स सरफेस एरिया इज इनफाइनाइट। कैसी इंटरेस्टिंग बात है कि आपसे कहा जाता है कि कोई ऐसा सॉलिड बताएं कि उस सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो फाइनाइट है लेकिन उसका जो सरफेस एरिया वो इनफाइनाइट है। एकदम एक मरतबा तो सोच के ऐसा लगता है ये कैसे पॉसिबल है कि एक चीज़ जो है जिसका वॉल्यूम जो हो वो फाइनाइट हो, ठीक है, लेकिन उसका सरफेस एरिया वो इनफाइनाइट हो, ठीक है, नामुमकिन सी बात नज़र आती है कि एक चीज़ है जिसका वॉल्यूम फाइनाइट रखा हुआ है आपने और उसका सरफेस एरिया इनफाइनाइट है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। तो आप देखते हैं कैसे ये चीज़ पॉसिबल है। सबसे पहले मैंने इसका ग्राफ बना दिया, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2 के दरमियान, वैसे इसकी दो कर्व होती हैं, ये आपके पास इधर भी आएगी एक्स एक्सिस यानी पहले क्वाड्रेंट में और होता है ये तीसरे क्वाड्रेंट में भी इसी तरह होता है, लेकिन आपने सिर्फ ग्राफ बनाना है एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2 के दरमियान। तो ये सर ये वाली ब्रांच मैंने ले ली, ये इस तरह बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2 के दरमियान ये एरिया मैंने शेड कर दिया, ठीक है। इस एरिए को ये जो चीज़ आपके पास बनती है ये जो रेड कलर की और इस कर्व के दरमियान बनती है, इसको जब आपने रोटेट करना है अबाउट एक्स एक्सिस तो जो सॉलिड बनता है उसका सरफेस एरिया मालूम करना है, ये आपका टारगेट है। ये जो मैंने शेड किया ये सरफेस एरिया नहीं है, ठीक है, पहली बात ये याद रखा करें, ये जस्ट एक एरिया है। सरफेस एरिया तब बनता है जब आप इसको एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने के बाद जो नई शेप बनेगी, ठीक है, उसका आपने सरफेस एरिया मालूम करना है। देखें यहाँ पर इसकी शेप कुछ मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ इस तरह की है, ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका है एक्स एक्सिस, जब आप इसको एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो यही चीज़ आपके पास नीचे आ जाएगी, ठीक हो गया, ये ऐसे आ जाएगी। अब ये जो अब आपके पास घुमाने पर ये सॉलिड जो आपको नज़र आएगा ये कुछ इस तरह का सॉलिड, ये शेप आपकी बन जाएगी ऐसे। इस सॉलिड का आपने मालूम करना है इस सॉलिड का जिसे आप सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं, इस सॉलिड का जो सरफेस बाहर आपको नज़र आती है ना जी, उसका एरिया मालूम करना है और उसे सरफेस एरिया बोलते हैं, ये सरफेस एरिया नहीं है। चले अब अगली बात, आपने सरफेस एरिया मालूम करने के लिए अबाउट एक्स एक्सिस ये फार्मूला इस्तेमाल कर लिया, 2π लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 1 से 2 y इंटू 1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर इंटू dx, इसे मैंने 1 का नाम दे दिया। अब इसमें मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं फिर तमाम वैल्यूज यहाँ पर हम पुट कर लेंगे। तो y किसके बराबर है, 1/x के बराबर, इसे मैंने लिख लिया x इनवर्स, पहला डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस टाइम x की पावर -2 यानी -1/x², इसका डेरिवेटिव ले लेना तो -1/x² आ जाएगा। नहीं, यहाँ पर 1 + y1 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 1 + y1 फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, -1/x², इसका होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है।
ये आपने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दी, ये आ जाएगा 1/x^4। ये आप एलसीएम ले लें, x^4 + 1/x^4 आ जाएगी। दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा x^4 + 1 का अंडर रूट ओवर x^2। पुट इन 1 वी हैव, इस चीज़ को, इस वैल्यू को आपने फार्मूला नंबर 1 में पुट कर दिया। फार्मूला नंबर 1 में यहाँ पर लिखा हुआ है y, तो y की वैल्यू आप जानते हैं, यहाँ पर 1/x है, आगे अंडर रूट है, तो अंडर रूट ये आ गया इंटू डी एक्स। लेकिन जी यहाँ पर x^x^2 क्या बन गया, x³। अब आगे मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, तो यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो x^4 बन गया, ये आ गया x^dx। नहीं जी, अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए मैं सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर करता हूँ। x² को tan थीटा पुट कर लेते हैं, x² को tan थीटा पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2x/dx, tan का डेरिवेटिव हो गया sec²θ/dθ। यहाँ से x/dx की वैल्यू निकालें, तो x/dx की वैल्यू आ जाएगी sec²θ/dθ/2। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर डिवाइड हो जाएगा इस। अब यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं विदाउट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लेते हैं, लिमिट्स को आप बोल जाएं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं विदाउट लिमिट्स। अच्छा ले जी, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जो हमने किया उसको कर लेते हैं। x^2 जो है वो tan थीटा के बराबर है, तो x^4 क्या हो जाएगी, tan²θ + 1, नीचे भी tan²θ, x/dx की वैल्यू निकली है sec²θ/2, ठीक है। ले जी, ये आ जाएगा आपके पास, ये वैल्यूज पुट कर दें, तो 1+x², ये हो गया था 1+tan²θ, तो 1+tan²θ किसके बराबर होता है, sec²θ/tan²θ, और dx की जगह आ गया sec²θ/dθ, और जो इसके नीचे 2 था वो बाहर मैं यहाँ पर ले आया। अच्छा, ये sec²√ के साथ कैंसिल हो गया, sec²θ रह गया, ये बन गया sec³/tan²θ। tan²θ को ऊपर ले जाएं, cot²θ हो जाएगा, और sec² को इस तरह कन्वर्ट कर लें, तो ये 1/cos³θ हो जाएगा। अच्छा, cot² किसके बराबर होता है, cos/sin, तो ये cos² / sin² हो गया। यहाँ पर अब ये cos² और ये cos³ आपस में कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 1/sin²θ / 1/cos³θ। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, मैंने क्या किया, cos से डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा दिया, कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊंगा, नीचे cos² हो जाएगा, ऊपर भी cos² आ जाएगा, तो ये आ जाएगा cos²sin²θ/cos²θ। अच्छा, अब यहाँ पर इस sin² को, इस cos² को मैं बदल लेता हूँ 1 - sin²θ में, बदल लिया। अब यहाँ पर अगेन हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन को शुरू से विदाउट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के बगैर सॉल्व कर रहे हैं, ताकि एंड में हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर लेंगे बस। sin θ की जगह यहाँ पर t पुट किया, sin θ को आप t यहाँ पर दोबारा पुट कर लेंगे। ले जी, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें, तो साइन का डेरिवेटिव कोज आ गया, cos·dθ, ये आ जाएगा dt। सो लास्ट इंटीग्रल विल बिकम, जब ये तमाम वैल्यूज इस इंटीग्रल में आप पुट कर दें, तो cos θ·dθ की जगह क्या पुट करना है आपने, dt। sin²θ की जगह क्या पुट करना है, t², इसकी जगह क्या पुट करना है, 1 - sin² की जगह 1 - t² = 1/2। अब यहाँ पर आप इसकी बना लें पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, या फिर वैसे इसको याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन पहले बड़ा लेंथी है, वैसे ये पार्शियल फ्रैक्शन से आया सारा, ये आ जाएगा 1/t² + 1/1 - t², इस सारे को आप ऐसे लिख लोगे, 1/t² + 1/1 - t², आसान ही है, याद करना मुश्किल नहीं है। लें जी, अब यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन कर लें, इसको ऊपर ले जाएं, t²-2, तो t²-2 की इंटीग्रेशन हो जाएगी t²-1/-1। ये वाला फार्मूला लगाया मैंने यहाँ पर, x·n·dx वाला, ठीक है, पावर में 1 + उसी पावर से डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर t²-2 को ऊपर ले गए, तो t²-1/-1। अच्छा, अब इसका फार्मूला आप जानते हैं, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, dx/constant माइनस वेरिएबल का स्केयर, a²-x² किसके बराबर होता है, 1/2 a नेचुरल लॉग ऑफ a+x/a-x होता है ना ये फार्मूला। तो यहाँ पर आपका जो a है वो 1 है, तो याद रखिएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1+t/1-t, इस फार्मूले के मुताबिक। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, ये चीज़ हो गई। अब t इनवर्स है, उसको नीचे ले आएँ, और ये याद रखिएगा -1/t। अच्छा, अब यहाँ पर नीचे लाने के बाद फिर दोबारा मैंने क्या किया, दोबारा t को किस में पुट किया था हमने, sin θ में, तो t को मैंने पुट बैक, t = sin θ, वी हैव इधर ये सारी चीज़ जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, 1/2 ये था -1/t, तो t की जगह क्या आ गया, -1/sin θ, +1/2 यहाँ था नेचुरल लॉग ऑफ 1+t था, तो t की जगह पुट कर दिया sin θ, यहाँ पर क्या था 1 - t, 1 - sin θ आ गया। ये सारा आपका आंसर आ गया थीटा में, लेकिन हमें आपका आंसर चाहिए एक्स में। दोबारा फिर पीछे चलें, आप शुरू में tan θ को किसके कोरिलेट करके चले थे, x² के बराबर, सही है, एज x² किसके बराबर है, tan θ के बराबर। tan θ को हम फिर लिख सकते हैं इस तरह, x²/1, इस x² को लिख सकते हैं x²/1। तो tan θ की डेफिनेशन क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसका मतलब हमारा परपेंडिकुलर कौन है, x² है,
बेस क्या है, 1 है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो ये आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्केयर किसके बराबर आ गया, परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर। तो परपेंडिकुलर कौन है आपका, एक्स स्केयर है, तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी, बेस क्या है 1 है, तो 1 का स्केयर 1 हो जाएगा। इसका एच कितना निकलेगा, अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 1, ये यहाँ पर पुट कर दिया। साइन थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है एक्स स्केयर, हाइपोटेन्यूज कितना निकला, अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 1, ठीक होगी बात। अब साइन थीटा की वैल्यू को यहाँ पर, इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कह दिया, इसमें यहाँ पर पुट कर दें, यहाँ पर पुट करेंगे याद देगा 1/2 माइनस 1 ओवर साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर, एक्स स्केयर ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 1, तो यह है 1 ओवर साइन थीटा, तो उसको उल्टा दें तो याद देगा माइनस अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर, याद देगा माइनस अंडर रूट एक्स की पावर 4 ओवर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर। आगे चलें, यह है प्लस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या निकला है, एक्स स्केयर ओवर अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 1, यानी जहाँ जहाँ पर साइन थीटा है वहाँ वहाँ पर आपने ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये वैल्यू पुट की तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्केयर ओवर अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 1, नीचे भी यहाँ पर साइन थीटा है तो याद आएगा 1 माइनस एक्स की पावर 2 ओवर अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 1। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लें और एलसीएम लेने के बाद जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल आउट कर दें, ले जी। अब यहाँ पर ये चीज़ कैंसिल होने के बाद कुछ इस तरह आ जाएगी सारी चीज़, 1/2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 ओवर एक्स स्केयर प्लस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्केयर, ले जी। ये इसका मतलब इसकी इस सारे इंटीग्रल की वैल्यू ये सारी आ गई, ये सारी, इसको आप 2 में पुट करते हैं। 2 क्या थी, 2 वो था जहाँ से हमने विदाउट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इसको सॉल्व किया था, यानी कि यहाँ पर 2 क्या है मैं बताता हूँ आपको, ले जी बेटा ये आपके पास जहाँ पर हमने विदाउट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करना शुरू किया था ना, ये इंटीग्रल हमारा जो फर्स्ट था, ये इसे मैंने 2 का नाम दिया हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वैल्यू सारी हम पुट कर देंगे, यानी ये जो सारी है, ये जो इंटीग्रल आया ना आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर, क्या जवाब आया इसका, ये सारा आया आंसर। इस आंसर को यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट करने का मतलब है जस्ट आपने इसके ऊपर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है 1 से 2 पर, तो ये यहाँ पर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ गई, ये सारी चीज़ें लिखी मैंने, इसके ऊपर लिमिट्स आ गई 1 से 2 तक। अब एक्स स्क्वायर का आप 2 पुट करें तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 प्लस 1 कितना हो गया 17, अंडर रूट 17 ओवर 4, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर 4 2 पुट करें 17 बन जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2 पुट करें 2 की पावर 2 4, यहाँ पर नीचे एक्स स्क्वायर 2 पुट करें तो अंडर रूट 17 माइनस 4। अब आप लोअर लिमिट पुट करें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 पुट करें तो 1 प्लस 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 1, 1 प्लस 1 2 माइनस अंडर 2, नीचे एक्स स्क्वायर 1 पुट करें 1 आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 पुट करें तो आ जाएगा 1 की पावर 4 1, 1 प्लस 1 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 प्लस 1 नीचे आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1। अच्छा जी, अब इसके बाद जनाब बेटा जी आप यहाँ पर सिर्फ ब्रैकेट्स ओपन कर दें, ये आ जाएगा ये वाली सारी वैल्यू आ गई, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट 2 प्लस 1 ओवर अंडर 2 माइनस 1, ये आपका सरफेस एरिया आ गया, ठीक है, जो आपने मालूम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन का लास्ट हिस्सा हम प्रूव करते हैं, वो क्वेश्चन का लास्ट हिस्सा कुछ इस तरह है, लेकिन लास्ट हिस्से में से आपने प्रूफ ये करना है कि अगर आपका x सब 1 से इन्फिनिटी पर हो जाए तो वॉल्यूम जो है वो सॉलिड का फाइनाइट है और लेकिन सरफेस एरिया जो है ना वो सूरत में वो इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर आपने 1 से इन्फिनिटी पर वॉल्यूम मालूम करना है और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का जो फार्मूला है यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बाय डिस्क मेथड से, और डिस्क मेथड यहाँ पर देखें ना, जब आप इसको आपने जब ये इस कर्व को मैंने रोटेट करके आपको दिखाया था, ये जो सरफेस ये जो एरिया बना था, तो ये आपके पास सर्कुलर डिस्क बनती हैं आपके पास, ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर डिस्क मेथड इस्तेमाल किया। तो डिस्क मेथड का फार्मूला होता है जब आप एक्स एक्सिस के अबाउट उसे घुमाते हैं तो यहाँ डी एक्स लिखेंगे और यहाँ पर वाई स्क्वायर आ जाता है, वन से इन्फिनिटी और पाई फार्मूले में आता है। अच्छा, अब वाई किसके बराबर है, वन ओवर एक्स के बराबर है, तो वाई का स्केयर किसके बराबर हो जाएगा, वन ओवर एक्स स्केयर के बराबर हो जाएगा, तो वन ओवर एक्स स्केयर को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस टू इंटू डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दें आप, एक्स की पावर एन वाला फार्मूला लगा देंगे ना, इसकी पावर में ऐड करेंगे उसी पावर से डिवाइड, तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस वन ओवर एक्स और लिमिट आ गई वन से इन्फिनिटी, अपर लिमिट 1 ओवर इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट 1 आ गया, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो गया, तो ये आ जाएगा पाई। तो आप देखें पाई एक फाइनाइट नंबर है, लहजा इसका जो वॉल्यूम है वो निकला है फाइनाइट आपके पास। नेक्स्ट अब आपने मालूम करना है यहाँ पर इसका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया मालूम करने के लिए सिर्फ जस्ट आपने क्या करना है, इंटीग्रल की लिमिट्स बदलनी है।
अंदर ये जो सारी चीज़ है ये वैसे के वैसे निकलेगी, ये वही रहेगी, ये नहीं चेंज होगी, सिर्फ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बदलनी है। और ये हमने कैसे बनाई थी, ये यहाँ पर देखें, ये चीज़ बनी हुई है आपके पास, ठीक है। यानी कि ये आपके पास एक्चुअली इस तरह था, ये इंटीग्रल है ना, इंटीग्रल के अंदर ये सारी चीज़ है, वाई इंटू अंडर रूट वन प्लस वन वाई वन का स्केयर। तो ये किस तरह मालूम किया था, ये सारा सोल्व करके क्या बना था आपके पास, ये बना था सारा, ये है आपके पास अंडर रूट एक्स की पावर फोर प्लस वन ओवर एक्स क्यूब, ये सारा बनता है। और अब यहाँ पर लिमिट वन से टू है, वहाँ पर लिमिट हमने वन से इन्फिनिटी रखनी है। तो ये आ गई वन से इन्फिनिटी, वन प्लस एक्स पावर फोर ओवर एक्स क्यूब। अब इसका आंसर आपने इन्फिनिटी दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक रिजल्ट इस्तेमाल करूँगा, अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, स्मॉलर फंक्शन एफ है, कैपिटल फंक्शन जी है, अगर स्मॉलर फंक्शन की इंटीग्रेशन करें वन से इन्फिनिटी पर, उसका आंसर इन्फिनिटी आया, तो याद रखिएगा बड़े वाले की लिमिट भी वही होगी जो स्मॉलर की होगी, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट होता है, दो फंक्शन लेंगे एफ और जी, खुद से चूज़ करेंगे, अगर एक स्मॉलर है, एक कैपिटल है, ग्रेटर है, अगर स्मॉलर की इंटीग्रेशन का आंसर इन्फिनिटी है, तो बड़े वाले की इंटीग्रेशन का भी आंसर वन से इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि एफ और जी यहाँ पर दो फंक्शन चूज़ करने हैं, नहीं जी, यहाँ पर ये हो गया हमारा वो फंक्शन जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, ये मैंने दूसरा फंक्शन चूज़ कर लिया वन ओवर एक्स, देखते हैं इनमें से बड़ा ये है या ये वाला बड़ा है। अच्छा, मैंने इसमें से इसको माइनस किया, माइनस करके यहाँ पर आगे इसका एलसीएम ले लेते हैं, एक्स क्यूब एलसीएम एक्स क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखें हमारा एक्स वन से बड़ा है, वन से इन्फिनिटी तक जा रहा है एक्स, आप एक्स की जगह यहाँ पर वन पुट कर दें, इसका अपर नोमिनेटर का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, एक्स की जगह वन पुट करें ऊपर आएगा यहाँ पर अंडर टू, यहाँ पर आएगा माइनस वन, अंडर टू में से वन कम करें, जारी सी बात है अंडर टू बड़ा है या वन बड़ा है, अंडर टू बड़ा है, तो इसका आंसर आपके पास किसी सूरत में भी नेगेटिव नहीं आने वाला, इसका आंसर आएगा हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, पॉजिटिव आंसर आएगा। तो इसका मतलब इस सारे का आंसर आ गया ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, इट मीन्स ये वाली चीज़ इसको उठा के मैं उधर ले गया, तो ये उधर जाके इधर माइनस हो रही, उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ये चीज़ इससे बड़ी हो गई, या मैं ये कह सकता हूँ ये स्मॉलर हो गया इससे। अब इसका मतलब इस ये वाला हमारा फंक्शन एफ है, इसको मैंने एफ लेट कर लिया, और ये वो फंक्शन है जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी, इसको मैंने जी लेट कर लिया। अब ये स्मॉलर फंक्शन की इंटीग्रेशन करें वन से इन्फिनिटी पर, तो आंसर इन्फिनिटी बनता है। देखें वन ओवर एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स लिमिट अप्लाई कर दें, लॉग ऑफ इन्फिनिटी माइनस लॉग ऑफ वन, लॉग ऑफ वन जीरो हो गया, लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ गया। तो स्मॉलर फंक्शन जो हमारा ये हाल है एफ जिसका नाम रखा है, उसका आंसर इन्फिनिटी है। तो फिर जो अभी मैंने रिजल्ट आपको बताया है उसके मुताबिक बड़े वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन भी इन्फिनिटी होगी। तो हैंस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज फाइनाइट बट सरफेस एरिया आप देखें इनफाइनाइट निकला है, सही है। तो लें बेटा जी ये आपकी एक्सरसाइज 9.9 है वो कंप्लीट हो गई, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 9.10 है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।